नमस्कार, मैं भाषा और इस समय हम खड़े हैं कलकत्ता के मशहूर हावड़ा ब्रिज में। कलकत्ता अपनी संस्कृति के लिए, अपने बहुत पुराने साझी संस्कृति के लिए जाना जाता रहा है और यह संस्कृति शायद इस समय दांव पे लगी हुई है। इस समय चुनावी समर में जिस तरह से नफरत का माहौल, हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है, उसकी पड़ताल ज़मीन से करने के लिए हम अपनी पूरी टीम के साथ जा रहे हैं तमाम अलग अलग लोगों से बात करने कि आखिर बंगाल का भविष्य, जिस पर टिका है देश का भविष्य, वह क्या रुख अख्तियार करेगा। मोदी जी आए। मोदी जी हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग यहीं लिलुआ से हैं। लिलुआ? अच्छा, बिहार से रहने वाले हैं। हम लोग यहीं पर रहते हैं। यहीं रहते हैं। क्या काम करते हैं आप? काम ऐसे अपना धंधा ही हम लोग करते हैं। जैसे क्या? बैग का सप्लाई करते हैं। बैग का सप्लाई करते हैं मार्केटिंग से। तो आपको लगता है कि मोदी जी आ जाएंगे? हाँ, मोदी जी आएंगे, विकास आएगा, 100% है। देश में विकास आ गया? हाँ। क्या विकास आया? नौजवान साथ में है। नहीं, विकास क्या आया? विकास देश उन्नति में है, देश तरक्की में है। जैसे कुछ बताएं ना। महंगाई तो बढ़ रहा है लेकिन विकास आगे में है। नहीं, विकास जैसे क्या? विकास, नौकरी मिल गया आपको पक्का? नौकरी मिलेगा? नहीं, मिला है लोगों को पक्का? सब कुछ मिलेगा। अभी देखिए दीदी का जो आप मैंने जो काम चल रहा है, जो परिकल्पना है, जो है मन में, अभी इधर का शहर में जितना काम हुआ है इससे ज़्यादा हम गांव का है, लेकिन गांव का बहुत ज़्यादा काम हुआ है दीदी का वजह से। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि दीदी रहने हैं, दीदी रहे, दीदी ठीक है। क्या काम करते हैं आप? अब इधर प्राइवेट को जॉब करते हैं। क्या चुनाव का माहौल लग रहा है? चुनाव का माहौल तो इससे बढ़िया क्या है? मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी मोदी। क्या अच्छा काम किया मोदी ने? मोदी जो काम किया है कोई नहीं किया है। मोदी वो उसका बहुत अच्छा, पेट्रोल डीजल 100 रुपए बढ़ा दिया, बहुत अच्छा किया। पेट्रोल डीजल आज से 10 साल पहले ऐसे ही था। 10 साल पहले हम ऐसा ही था। जे आसुक ना आसुक कोनो दरकार नहीं। বাংলাতে আমাদের বাঙালির কাউকেই দরকার। মানে কলকাতা হচ্ছে বাঙালির জিনিস, বাংলায় ওয়েস্ট বেঙ্গল, তাই যে কোনো কাউকে দরকার, বাঙালি দরকার, যে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক, এইটুকুই জাস্ট বলবো। মোদি সে আপকো কিয়া ফায়দা মিলা আবি তক? हमको कुछ फायदा नहीं मिला। हमको ना राशन कार्ड है ना कुछ भी नहीं है। हमको तो खरीद के खाने पड़ता है। तब फिर मोदी क्यों? फिर भी हम देखते हैं कि उन्हें आने से उनको फायदा है। क्या फायदा होगा? बहुत फायदा, देश को उन्नति होगा सब चीज के। अभी यहाँ जहाँ पे आप हैं, इस मोहल्ले का नाम क्या और किसका माहौल चल रहा है? यहाँ तो देखिए ये शशि पांजा का एरिया है। पिछला 2 इलेक्शन भी जीत चुकी हैं और आज भी उम्मीद है कि वो जीतेंगे, कि उनके उनके विपक्ष में जो प्रत्याशी है वो कोई बहुत अच्छा कैंडिडेट नहीं है। वो किस पार्टी से हैं? वो बीजेपी से हैं। शशि पांजा जो जीती हैं वो टीएमसी से हैं और विपक्ष में जो उम्मीदवार खड़ा है वो कोई बहुत अच्छा उम्मीदवार नहीं है जो कि जीत पाए, ऐसा लगता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि बंगाल में रहने वाले यूपी और बिहार के लोग भाजपा को वोट देंगे, क्या ये सच है? ये देखिए सबका अपना अपना आइडियोलॉजी है, इसमें ना तो आप हम किसी का गारंटी ले सकते हैं ना कोई मेरा गारंटी ले सकता है, तो ये अपना अपना मर्जी का बात है, तो वो देंगे ही देंगे, चाहे भाजपा को दें या टीएमसी को दें। लेकिन लड़ाई इन दोनों के बीच में ही है? हाँ, लड़ाई इन दोनों के बीच में है, इसमें शक की कोई बात नहीं है। ममता के पक्ष में क्या चीज़ लगती है? ममता के पक्ष में ये चीज़ लगती है कि देखिए जो 35 साल का शासन को, 35 साल का बम फ्रंट का शासन को जो वो लोग हटाया है जितने युद्ध करके, उतना युद्ध तो मोदी जी को लड़ने में अभी अगला इलेक्शन का हमको लगता है इंतज़ार करना पड़ेगा ममता को हटाने के लिए। हाँ, इस इलेक्शन में तो चांसेस बहुत कम हैं। हाँ, अब ग्रामीण एरिया में क्या पोजिशन है ये हम थोड़ा कह नहीं पाते हैं। क्या माहौल लग रहा है? आप तो यूथ हैं, आपको क्या लगता है? मेरे को तो अपने यहाँ का तो अपना टीएमसी है, बंगाल का ममता का। अच्छा, हम लोग तो ममता का सपोर्ट है, कितना भी है बंगाल के लिए बहुत अच्छा है। हर जिनिस के लिए, कुछ जिनिस में हो ममता, बंगाल के लिए अच्छा है। जैसा सभी विकास चाहते हैं हम भी वैसे विकास चाहते हैं, जैसा विकास होता चला है वैसा विकास ही हो। क्योंकि अभी तो भाजपा भी बोल रही है कि काफ़ी वो वो तो बोल रही हैं देश भर में जितना नौकरी नहीं दिया उससे ज्यादा यहाँ नौकरी। हाँ, वो तो बोल रहे हैं ना, पर ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। सिर्फ हमारे यहाँ पे देखने से तो नहीं होगा ना, ऑल ओवर इंडिया का देख के देखे चलिए। ये क्या बेच रहे हैं आप? यही सब है, मतलब होली का सब है। मतलब होली का त्यौहार का है। अच्छा, तो क्या क्या लग रहा है, लड़ाई किसके बीच में है?
देखिए लड़ाई तो किसी के बीच में वो हम तो बता नहीं सकेंगे, किंतु जिसका है वही आएगा घूर के, बस जो है वही रहे, जो है वही आएगा। देखिए इतना डर क्यों है, ऐसे क्यों नहीं बोल पाते खुलकर? अरे खुल के क्या बोल, हम लोग इतना पढ़े लिखे नहीं है ना, अब खुल के क्या मतलब, देखिए जिसका अभी है वही आएगा और क्या करेंगे, वो आ जाएंगे वापस। चुनाव में भाजपा ने और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत तगड़ी चुनौती दी है ममता बनर्जी को। यहाँ पर दो फाड़ में मतदाता दिखाई दे रहे हैं, ख़ास तौर से जो मतदाता प्रवासी हैं बिहार और उत्तर प्रदेश से, जिनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, वे मोदी भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। उनके पास कुछ नहीं, लेकिन उन्नति डेवलपमेंट का ड्रीम बहुत अच्छे से भाजपा ने उन्हें बेचा है। वहीं दूसरी तरफ जो बंगाल के लोग हैं, जिनमें बंगाल की अस्मिता का जोर ज़्यादा है, वे ममता के पक्ष में खड़े नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये सारे लोग न विकास को परिभाषित कर पा रहे हैं, ना ही ममता ने उन्हें क्या ठोस दिया यह बताने की स्थिति में है। ऐसा लगता है कि बंगाल का चुनाव और उसके बाद की आगे की राजनीति बहुत गहरे में बंगाल को सामाजिक और राजनीतिक रूप से बांटने में सफल हो पाएगी। Thank you.